लेट उठा था, अब समझ रहे हो 10 बजे की क्लास है, 9:30 पे तो हम लोग उठे हैं। भाई साहब कितनी लंबी क्लास थी, हम लोग तो एकदम थक ही गए। हेलो गाइस, तो मैं सब निकल का वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ गेम निकल। कैसे सारे बढ़िया करता हूँ, सारे ठीक होंगे, मजे मंगे ऐश कर रहे होंगे। हाँ तो यार हमारी वेकेशन खत्म हो गई है। हाँ जिन लोग को नहीं पता, जिन लोग मेरे साथ अभी नहीं जुड़े होंगे, तो भाई हम लोग का जो रहता है जो क्या कह सकते हो आप, अरे कहना क्या चाहते हो। हाँ जनवरी जो रहता है वो हम लोग का वेकेशन रहता है, और उधर जुलाई और अगस्त हम लोग का प्रॉपर वेकेशन रहता है। तो अभी हम लोग का वेकेशन खत्म हो चुका है, क्लासेस फिर से रिज्यूम हो चुकी है, जितनी मस्ती करनी थी हम लोगों ने सब कर ली। इसी वेकेशन के बीच में पठान मूवी भी रिलीज हुई, तो हाँ वो भी है, ये ब्लॉग में कंटिन्यू है, सब एकदम प्रॉपर लाइन से अपन ने अरेंज किया एडिटिंग के साथ। बात है सर, क्या बात है सर। तो अभी मैं क्यों शूट कर रहा हूँ, क्लास तो हम लोग की पहले हो गई थी, बट क्या है ना लेट उठा था, अब समझ रहे हो 10 बजे की क्लास है, 9:30 पे तो हम लोग उठ रहे हैं, तो शूट कैसे होगा। तो थोड़ा मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था, इसलिए अभी कर रहा हूँ, जाके वो देखते हो है ना, बस एकदम फिर अपन बात करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज वैसे तो आज हमारा दूसरा दिन है, हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर चालू है, बट हाँ पहले दिन मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि शूट नहीं करूँ, क्योंकि पता नहीं मैडम लीन हो के नहीं शूट वूट करने के लिए। और हाँ पहला दिन भी रहता है तो थोड़ा हम इन्जॉय करते हैं। अभी देखो इसको थोड़ा, अभी हम टैक्सी में आए ना, इसको थोड़ा सफोकेशन हो गया, पता नहीं अजीब सी स्मेल थी टैक्सी में, तो अभी जूस वूस पी रही है। बाकी ये एक हॉस्पिटल है, हमारी पीडियाट्रिक की क्लास चल रही है अभी, और पीडियाट्रिक पूरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, अभी अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मिलते हैं उनसे, मस्त लगता है बच्चों के साथ। तो बाकी चलते हैं, अभी तो उठे हैं जैसे तैसे क्लास के लिए। मेरे को तो लगा भाई हम लोग क्लास के लिए लेट हो चुके हैं, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट कितने 10 बजे की क्लास थी, तो मैं 9:30 बजे उठा, सोच रहा हूँ कितने एकदम अर्जेंट में उठ के एकदम निकल रहा हूँ, तो मेरे को तो लगा था कि आज तो हो गए लेट, बट अभी दूसरे ग्रुप की क्लास चल रही, तो मैम उनका क्लास ले रही है, 5-10 मिनट में उनका खत्म हो जाएगा, तो हाँ कुछ चक्कर में मन बच गए खत्म थे। अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गया। भाई साहब कितनी लंबी क्लास थी, हम लोग तो एकदम थक ही गए, अभी अर्थता भी आ रहा है अंदर से, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था, पर हाँ ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक्स है, न्यू बॉर्न बेबीज के बारे में कुछ जानने को मिलेगा, सीखेंगे करेंगे, अच्छा लगेगा। अभी बस से चलते हैं वापस, क्योंकि हम लोग का हॉस्टल यहाँ से दूर है, क्योंकि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है थोड़ा दूर है हमारे हॉस्टल से, तो अभी हम टैक्सी में ही पड़ती, तो बस से चलेंगे मस्त एकदम। तो सुबह जब क्लास गया तो दिखाया नहीं था, ये देखो ये पूरा यहाँ पे पूरा ये अंदर पूरा फैकल्टी है, यूनिवर्सिटी का ऑथराइज्ड बच्चों का हॉस्पिटल है, और यहीं पे सामने बस स्टेशन है, तो अपन यही बस से ही चल देते, अभी तो जा रहे हैं वही अपने जो लोग पहले से देख रहे होंगे भाई, रेयन जो कैफ़े है जहाँ पे चाय वगैरह मिलता है, और जो लोग नहीं जानते तो देख लो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट चले। तो ये रही अपनी बस, 3 नंबर बस जाती है, तो जाते हैं। और हाँ फेयर कितना रहता है, तो भाई 25 रूबल्स रहता है, आखिरी में बैठो कभी भी उतरो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। जो यहाँ पे थिएटर है, पिछली बार देखोगे यहाँ पे RRR और KGF 2 लगी थी, तो हाँ तो अभी पठान मूवी रिलीज होने वाली, तो हमने सोचा यहाँ पे देखो, नालचिक में काफ़ी सारे इंडियंस रहते हैं और साल में हम लोग 1 या 2 मूवी ही यहाँ पे देख पाते हैं, तो अभी पठान रिलीज़ हो रही है, तो हमसे किसी ने कॉन्टेक्ट किया था कि यहाँ पे पठान लग सकती है क्या, मतलब मोस्टली कृष्णा भी यहाँ से किया था,
तो हाँ, तो पठान लग सकती है यहाँ पे। अभी जल्दी पठान का भी ब्लॉग आएगा, तो अभी तो हम तो आए थे थिएटर बुक करने। हो गया, टिकट मिल गई? नहीं, ओनर है ना, दूसरा थिएटर बुक किए ना। हाँ थिएटर, हाँ थिएटर ये तो नहीं है, थिएटर ये तो नहीं है, ये तो मेरे को पता है, बट अभी टिकट भी वहीं से मिलेगी। अच्छा, और वाला थिएटर काफ़ी अच्छा है उसमें, मतलब एक तो उसमें बीच की एक स्पेशल अरेंजमेंट सीट भी है VIP वाली। पहले वहाँ चलते हैं, अभी वहाँ जाके फिर टिकट कलेक्ट करेंगे। तो ये है थिएटर, अंदर घुसते से मस्त एकदम पॉपकॉर्न की खुशबू आई है, जैसे थिएटर में घुसते ही आती है ना वैसे ही। देखो यहाँ का टिकट काउंटर ऐसे ही रहता है, सेम है अपना अभी जो नॉर्मल थिएटर रहता है, PVR और वागनर छोड़ के सबके ऐसे ही तो रहते हैं टिकट काउंटर। ये देख यहाँ पे नॉर्मल, और इधर साइड बालकनी की टिकट। यहाँ पे भी बालकनी का सिस्टम रहता है, और सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है। देखो जो मैं बोल रहा था ना, सोफे का जो एरिया है वो यहाँ पे ऐसा है, VIP बॉक्स है। और टोटल कितनी सीटें हैं इसके अंदर? 400, ऑलमोस्ट 400 सीटें हैं। बाकी देखते हैं अभी क्या है, टिकट लेते हैं। और आई थिंक क्या 25 को रिलीज हो रही ना पठान, हाँ तो 26 को, हाँ 26 को रिलीज हो रही पठान, हाँ। तो और ये पता है अभी भैया सबसे खतरनाक मशीन है ये, पैसा बहुत खाती है। बताए याद है अपन लोग मॉस्को में थे, मॉस्को कजान में थे, 100-200 रुपए तो इसमें ऐसे ही चला दिए थे, कुछ था उसमें घड़ी, घड़ी का था सिस्टम, कुछ नोटों की गड्डी रखी थी उसको गिराने के लिए। बहुत फालतू चीजें इसमें, पैसे बहुत जाते हैं। देखा आखिर मन मानता ही नहीं है, इनको खेलना था जो उस पर टारगेट कर रहे हैं, जो यहाँ डक टाइप का रखा हुआ है ना। नहीं थोड़ा और पीछे लो, नहीं आएगा, थोड़ा पीछे और उधर लो, उधर लो और पीछे लो, और आपकी तरफ लो, आपकी तरफ और लो, थोड़ा सा और लो, बस अब मार दो निशाना। बहुत छोटा है यार, वो पकड़ाएंगे। देखा स्कीम है, वो है ही नाजुक सा, वो पकड़ ही नहीं पाता है कुछ भी। ये स्कीम है ऐसे, देखो 10 रुपए रूबल का है, पर ऐसे 10-10 करके पता नहीं कितने लोगों का दिन का 100-200 तो ऐसे ही कमा लेता होगा। बहुत गंदी चीज है भाई ये, लत है, लत। तो देखो इतनी सारी टिकट है, कितनी टिकट है? 250 टिकट है, बाकी सीटिंग तो 400 समथिंग कुछ है, सीटिंग 400 है, बट अभी देखते हैं। अभी तो हमने 250 टिकट ली है, अभी फिर जितनी लोग इंटरेस्टेड होंगे उस हिसाब से यहाँ पे टिकट आके और ले लेंगे। बाकी हाँ, बुकिंग पूरे थिएटर की है, ऐसा नहीं है, बुकिंग पूरी थिएटर की है। और मूवी में अगर दम रहा, ठीक है, ट्रेलर वेलर तो अभी आ गया है, गाने वाने भी है, लोग बाग आएंगे देखने। क्या देखो क्या होता है ना, रशिया में मेनली हम जहाँ सिटी में हैं और दूसरी भी जगह पे मेनली बहुत कम मूवीज़ लगती है, ठीक है। इंडिया की जो थोड़ी बड़ी मूवीज़ रहती है जो लोगों को पसंद करते हैं, जैसे सलमान खान की, शाहरुख खान की, या फिर कोई और अच्छी मूवी बड़ी, तो ही लोग अच्छी देखना प्रीफर करते हैं। तो मज़ा आएगा, मतलब अभी वो वाला ब्लॉग भी देखना। बाकी ये तो है ही, टिकट तो अपन ले ही लिए इस चीज़ की है ना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, एकदम मस्त एकदम। तो अभी हमारी टैक्सी आ गई, बहुत अर्जेंट में है। और हाँ, टाइटल तो देख लियो कि पठान मूवी लग रही है थिएटर में, तो अभी हम लोग थोड़ा पहले जा रहे हैं ना, थोड़ा ऑर्गेनाइज किए हैं इसीलिए, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। चलो टैक्सी आ गई है, मस्त अब चलते हैं। हाँ तो भाई, मूवी वूवी देखने के बाद अच्छे से एकदम फुल तरीके से एंजॉय करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा बहुत खाया, KFC वगैरह गए थे, और फिर उसके बाद आके रूम आ गए थे। तो उसके बाद मैंने वीडियो एंड नहीं किया था, तो अभी एंड कर रहा हूँ। हाँ, और पूछे लोग पूछे क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो रिव्यू की बात कर रहा हूँ। तो हाँ देखो, बहुत टाइम बाद एक बॉलीवुड में एक ऐसी मूवी आई थी जिसको मतलब अपन हाँ कह सकते थे कि हाँ प्रॉपर बॉलीवुड की मूवी है। अभी भी वो टॉप नॉच नहीं थी, पर हाँ अच्छा था, मूवी में बोर कहीं नहीं होंगे आप लोग। अगर जो लोग मेरा देख के अगर देखना जाना चाहते हो, तो हाँ भाई मूवी में बोर कहीं भी नहीं होंगे। और हाँ अच्छा एक्शन, अच्छा खासा दिया, और आखिरी में एक मस्त एक स्पाई यूनिवर्स का ब्लूपर भी दिया है, तो जाके देखना, मस्त मज़ा आएगा। और हाँ, एक मेरा फेवरेट एक्टर भी है मूवी के अंदर, तो मैं अभी बताऊँगा नहीं, बट हाँ समझ जाओगे ना, अपने भाईजान भी है तो पता तो दिया ही है। पर हाँ उनका केमियो मतलब एकदम
मजा आ गया था। मैं मूवी तो मतलब वहीं पे मेरे को पसंद आ गई थी। हाँ तो यार, अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को, और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो के साथ। और हाँ, ये देख लो भाई, बहुत सारे कम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। अपन भी अच्छा लगेगा एकदम, 10,000 भी अपने आगे लिखा आ जाएगा तो, है ना, मस्त मजा आ जाएगा। चलो तब तक टाटा बाय बाय, रब रखा, जय हिंद। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।